पॉलिटिकल न्यूज, स्पोर्ट्स न्यूज, क्राइम न्यूज या न्यूज हो आपके राज्य, आपके शहर की, आपके आसपास हो रहा है भ्रष्टाचार, हम बनेंगे आपकी आवाज और पहुंचाएंगे आप तक हर सच, हर वो खबर जो है जनता से जुड़ी। जिम्बाब्वे के खिलाफ टी20 सीरीज में नहीं मिला मौका, लेकिन अब खुल गई छोटे विराट कोहली की किस्मत। श्रीलंका के दौरे पर मचाएगा तबाही, जारी हो गया श्रीलंका दौरे का चेंज। 3 वनडे 3 T20 मैच, गौतम गंभीर खुद तैयार करेंगे प्लेइंग 11। 3 खिलाड़ियों को बाहर बिठाने की तैयारी, जबकि अभिषेक के साथ में एक और खिलाड़ी को मिलेगा मौका। द्रविड़ के चेहरों का खत्म हो जाएगा करियर, गुस्से में गौतम गंभीर ने चल दी अपनी सबसे खतरनाक चाल। श्रीलंका में तबाही मचाने के लिए टीम के दो खिलाड़ी बनेंगे ढाल। गौतम गंभीर को जब से कोच बनाया गया है, तभी से कई लोगों को इस बात का डर सता रहा था कि इन 3 खिलाड़ियों का करियर खत्म हो जाएगा और 3 नए खिलाड़ियों की टीम में एंट्री हो जाएगी। खबर मिल रही है कि श्रीलंका के खिलाफ जो टीम चली जाएगी, गौतम गंभीर उसको अपने हिसाब से तैयार करेंगे। अभी श्रीलंका दौरे के लिए शिवपुरी का ऐलान कर दिया गया है। भारतीय टीम वहां पर 3 T20 मैच और 3 वनडे मैच खेलेगी। T20 वर्ल्ड कप के बाद टीम इंडिया का पहला बड़ा दौरा श्रीलंका का होगा। 26 जुलाई से शुरू हो रहे इस दौरे में टीम इंडिया नए कोच गौतम गंभीर के नेतृत्व में उतरेगी। गौतम के सिर पर बड़ी जिम्मेदारी है कि यहां पर जबरदस्त तरीके से भारतीय टीम अपना प्रदर्शन करे। रोहित शर्मा और विराट कोहली तो T20 क्रिकेट से अलविदा कह चुके हैं, लेकिन गौतम पर अब असली जिम्मेदारी यही है कि दूसरा रोहित और विराट तैयार करें। जिम्बाब्वे के खिलाफ 5 मैचों की T20 सीरीज में अभी तक कई स्टार खिलाड़ी निकल कर सामने आए, जिनमें एक नाम अभिषेक शर्मा का भी। अभिषेक शर्मा अपने पहले डेब्यू मैच में फेल हो गए थे, लेकिन इसके बाद उन्होंने जबरदस्त बल्लेबाजी करते हुए अगले ही मुकाबले में शतक जड़कर अपनी दावेदारी को मजबूत कर दिया और दिखा दिया कि रोहित शर्मा के असली उत्तराधिकारी वही हैं। लेकिन जिस बात का डर अभिषेक शर्मा को सता रहा था, उनके साथ वही हुआ। तीसरे मुकाबले में अभिषेक शर्मा को 3 नंबर पर भेज दिया गया, जहां उनकी बल्लेबाजी फेल हो गई और 10 रन बनाकर वो आउट हो गए। इस बात को लेकर खूब बवाल हुआ, लोगों ने कहा कि अभिषेक के साथ गलत किया जा रहा है, उनके करियर को खराब करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन आपको बताएं कि अभिषेक शर्मा पहले ऐसे खिलाड़ी हैं जिनकी किस्मत श्रीलंका दौरे पर चमक है। अभिषेक शर्मा T20 का जबरदस्त खिलाड़ी है, माना जा रहा है कि श्रीलंका के दौरे पर अभिषेक का चयन 100% किया जाएगा। इतना ही नहीं, एक और खिलाड़ी है जिसका नाम वॉशिंगटन सुंदर है। वॉशिंगटन सुंदर ने भी तीसरे T20 मैच में जबरदस्त प्रदर्शन किया और मैन ऑफ द मैच का अवार्ड भी अपने नाम किया। जिस तरीके से घातक गेंदबाजी वॉशिंगटन सुंदर की आती है, वैसे गेंदबाजी बहुत कम ही लोग कर पाते हैं। साफ तौर पर रविंद्र जडेजा के उत्तराधिकारी के तौर पर वॉशिंगटन सुंदर भी अपनी जगह बना रहे हैं। वॉशिंगटन सुंदर जैसे खिलाड़ियों की गौतम गंभीर बहुत ज्यादा कद्र करते हैं। वॉशिंगटन सुंदर भी आपको श्रीलंका के दौरे पर खेलते नजर आने वाले हैं। लेकिन जिस खिलाड़ी को छोटा विराट कोहली के नाम से जाना जाता है, उस खिलाड़ी की किस्मत भी चमकनी तय है। जी, रियान पराग को कई लोग छोटा विराट कोहली मानते हैं। दरअसल रियान भी ऐसे खिलाड़ी हैं जो ज्यादा गुस्सैल और जोश में दिखाई पड़ते हैं। खुलकर बोलना उनको बहुत अच्छे तरीके से आता है। शुरुआत के मैचों में रियान पराग को तो टीम में शामिल किया गया, लेकिन बीच में उनको बाहर कर दिया गया। मगर गौतम गंभीर रियान पराग को टीम में देखना चाहेंगे, जिसकी सबसे बड़ी वजह है विराट कोहली का रिप्लेसमेंट खोजना। रियान के पास ताकत है, मिडिल ऑर्डर में बढ़िया बल्लेबाजी कर पाते हैं। हमेशा से T20 क्रिकेट में मिडिल ऑर्डर में बल्लेबाजी करना बेहद चुनौतीपूर्ण होता है, क्योंकि आपके पास पावर प्ले नहीं होते हैं। लेकिन रियान पराग वो खिलाड़ी हैं जो मिडिल ऑर्डर में अच्छा क्रिकेट खेलने की क्षमता रखते हैं। लेकिन आपको बता दें कि रिंकू सिंह की किस्मत भी चमकने वाली है। कोलकाता नाइट राइडर्स के लिए रिंकू सिंह खेलते हैं। रिंकू का प्रदर्शन भी अच्छा जा रहा है, यही वजह है कि रिंकू का श्रीलंका दौरे पर चयन होगा। लेकिन माना जा रहा है कि शुभमन को वनडे में तो श्रीलंका के दौरे पर चयन कर लिया जाएगा, मगर T20 में अभिषेक शर्मा और यशस्वी जायसवाल ओपन करेंगे। दोस्तों, क्या ये ठीक रहेगा? इस पर आपकी राय क्या है, कमेंट में जरूर बताएं।